वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरी तो बस एक कोशिश है कि आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाऊं ताकि आप लोग मेरे इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ और वो ये है कि हाउ टू बिकम क्रिएटिव एंड ट्राई वन और मोर ऑफ़ द फॉलोइंग टू गेट देयर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप किस तरह किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट को छोड़ने का सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे बस की बात नहीं है। मल्टीपल थिंकिंग्स होती हैं, राइट? द 10 वेज टू इंक्रीज योर स्टूडेंट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। कैसे आप स्टूडेंट्स के दिमागों में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है? बींग एज अ टीचर, मैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो मैं ज़्यादातर ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग क्रिएटिव बिल्डर हों, क्रिएटिव माइंड हो आप लोगों का, ताकि आप लोग आसानी से किसी चीज़ को इन्हेंस कर सकें। क्योंकि बग़ैर इंटरेस्ट के आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? द 10 वेज टू इंक्रीज योर स्टूडेंट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। मेकिंग योर स्टूडेंट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट कैन बी अ रियल चैलेंज। दे आर सो मैनी वेरिएबल्स डेट कैन अफेक्ट द इंगेजमेंट। लैक ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कॉज बाई डिफ़िकल्टी कॉन्सनट्रेटिंग। बाज़ों का स्टूडेंट कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते, फैमिली घर के कुछ मसाइल होते हैं, इमोशनल डिफ़िकल्टीज होती हैं, लर्निंग डिसबिलिटीज होती हैं, मैनी अदर फैक्टर्स। समटाइम्स इट जस्ट अ प्लान बोर्डन, नॉट एवरीथिंग इज़ अबाउट फन ऑल द टाइम। इवन द बबिंग हॉर्मोन्स रनिंग थ्रू द टीनेजर्स बॉडी कैन कॉज